चलो हम आज एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले थोड़ा ये जान लें, थोड़े रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन टू पॉजिटिव इंटीजर गेट आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर। अभी आप कोई भी टू नंबर हो जो पॉजिटिव में है तो उसका आंसर ही पॉजिटिव आएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेशन टू ही नेगेटिव इंटीजर गेट आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर। अभी आप कोई भी टू नंबर का नेगेटिव इंटीजर हो उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमें पॉजिटिव में मिलेगा। ओके, फिर नाउ मल्टीप्लिकेशन वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर गेट आंसर इन नेगेटिव इंटीजर। अभी आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, अदरवाइज नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें आंसर नेगेटिव में मिलेगा। ओके, नेगेटिव इंटीजर में। फिर नेगेटिव इंटीजर इन इवन नंबर, अभी इवन नंबर में आप करोगे तो मल्टीप्लिकेशन इन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये आपको मैं आगे थोड़ा करवाऊंगी। ओके, तो समझ में आ जाएगा। ओके, अदर फिर नेगेटिव इंटीजर इन ऑड नंबर, नेगेटिव इंटीजर है और ऑड नंबर में है। ओके, तो सो गेट मल्टीप्लिकेशन इन पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। ओके, यहाँ पर है जो देखो, यहाँ पर दो है। ओके, ऑड है। ओके, तो इसकी हमें इंटीजर पॉजिटिव में मिलता है आंसर। ओके, इसी तरह अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो हम चलो एक्सरसाइज 1.3 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन वन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ए पार्ट है 3 × 1, तो हम जानते हैं 3 × 1 = 3, यहाँ पर माइनस है तो पहले हम बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से 3 × 1, 3 × 1 = 3 और ये माइनस, तो सो आंसर इज माइनस। अंडरस्टैंड। अभी सेकेंड है −1 × 225। ओके, यहाँ पर माइनस है पहले बाहर निकालें 1 × 225। ओके, 225 × 225 −225। ओके, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है सी पार्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव है तो इसको प्लस कर देंगे। ओके, अंडरस्टैंड। और 21 × 30। ओके, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट यहाँ पर 21 × 30 क्या आंसर होगा, 21 × 30। ओके, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और ये 0, तो 630। ओके, अंडरस्टैंड, 630 और ये पॉजिटिव। ओके, अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट डी है −360 × −1। ओके, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर भी इस तरह से होगा माइनस माइनस प्लस। ओके, 360 × 1, तो आपको मालूम है 360 × 1 तो आंसर वही रहेगा। ओके, ये भी पॉजिटिव। ओके, फिर यहाँ पर नेगेटिव, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ई पार्ट करेंगे। यहाँ पर −50 × 0 × 80। यहाँ पर देखो माइनस माइनस यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर −50 × 0, इसको हम एसोसिएट कर लेते हैं, फिर ये एक बाहर रह जाएगा −80। अरे आप बोलोगे कि मिस ये तो क्या हुआ, 0 के साथ −50 का हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, तो इसका आंसर देखने से ही पता चलता है हमें कि इसका आंसर 0 ही होगा। ओके, फिर एफ, अभी यहाँ पर एफ
माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 11 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 10 है, ओके 10, जो ये माइनस में नहीं है। चलो हम दो की एसोसिएट प्रॉपर्टी में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके इसे माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 11 दो कर लेते हैं, फिर एक को हम पहले बाहर छोड़ देते हैं, ओके इसी तरह प्रॉपर्टी का यूज़ करना है ना। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस, ओके फिर 12 मल्टीप्लाई 11 करना है आपको, तो यहाँ पर साइड पे मैं थोड़ा कर दूँगी, 12 मल्टीप्लाई 11 0 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ पर 2 और 1 2 3 और 1 ये आपको आता ही है, ओके 132, ओके यहाँ पर तो 132 ये प्लस और मल्टीप्लाई 10, ओके इसको हम अभी एसोसिएट में लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इस तरह से ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो आंसर इज 132 और ये 10 से मल्टीप्लाई 0, ओके ये हमारा आंसर हुआ, ओके फिर नेक्स्ट है जी में चलते हैं, ओके 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6, ओके तो यहाँ पर एसोसिएट प्रॉपर्टी बना लेती हूँ। चलो ये नेगेटिव नेगेटिव है तो दो की बना लेती हूँ पहले, तो 9 मल्टीप्लाई दो को एसोसिएट कर देती हूँ, ओके इन ब्रैकेट लिखना है तो लिख देती हूँ, ओके तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ओके मैं बाहर नहीं लिखती, अगर लिखना है तो आपको प्लस लिखने हैं, फिर थ्री सिक्स 80, ओके ये पॉजिटिव है, अभी लास्ट में माइनस 9 मल्टीप्लाई 80, ओके हमें मालूम है आपका टेबल आता है ना, 162 आंसर क्या हुआ 162, ओके फिर एच पार्ट में जाएंगे, ओके यहाँ पर चलो हम क्वेश्चन वन का एच पार्ट करते हैं। यहाँ पर माइनस 80 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4, अभी यहाँ पर भी क्या करना है 2 को एसोसिएट कर देते हैं, ओके फिर 1 को बाद में करेंगे, पहले 2 को आप डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो हो सकता है, ओके इस तरह से हो सकता है, अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से कीजिए, ओके माइनस 80 इन ब्रैकेट ले लेते हैं माइनस 5, ओके मल्टीप्लाई माइनस 4, बहुत इजी हो जाएगा, ओके आपको टेबल आती है तो बहुत ही इजी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओके 80 और मल्टीप्लाई 5, 80 मल्टीप्लाई 5 90, अभी मल्टीप्लाई माइनस 4, ओके अभी ये माइनस प्लस है तो माइनस, ओके 9 4 जा 36 और ये 0, आंसर इज माइनस 360, ओके फिर हमारा क्वेश्चन है आई, आई में क्या होगा बच्चों, यहाँ को भी हम एसोसिएट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट हम एसोसिएट करके करेंगे, ये दो है और ये दो दूसरा ग्रुप, ये वह फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ओके मैं आपको इजीली समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ओके माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, ओके फिर मल्टीप्लाई ये दूसरी ग्रुप बना लेती हूँ, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, ओके इन ब्रैकेट, अभी यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 टू ज़ा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ओके यहाँ पर माइनस 3 फोर ज़ा 12, ओके यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है, अभी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 12 टू ज़ा 24, अंडरस्टैंड इट बच्चों, आंसर इज माइनस 24, ओके फिर यहाँ पर जे पार्ट करेंगे, ओके यहाँ पर है देखो यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर भी ग्रुप कर लेते हैं, इसी तरह हमने आगे ये इक्वेशन भी किया इसी तरह, ओके यहाँ पर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6
मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस वन, ओके ये ग्रुप में कर लिए। अभी माइनस माइनस प्लस, थ्री सिक्स जा 80, ओके ये कंप्लीट। मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, टू वन जा 2, ओके ये भी कंप्लीट। ओके तो 80 मल्टीप्लाई 2 करना है, 80 मल्टीप्लाई तो हमें मालूम है 36, और माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस 10 ही रहेगा। ओके आंसर इज समझ में 36, ओके अंडरस्टैंड इट। ओके देखो यहाँ पर, ओके तो हमारी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। ओके तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।